विष्णुगढ़ प्रखंड के अल्पीटो पंचायत में जिला परिषद मुखिया प्रत्याशी पंचायत समिति सदस्य वार्ड सदस्य सभी लोगों ने प्रचार प्रसार में जनता को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखी। आज जनता की बारी थी, जनता मतदान कर रही है। जनता खामोशी से अपना मत का उपयोग कर रहे थे। विष्णुगढ़ के मतदान केंद्र एवं अल्पीटो पंचायत के उपरैली बोदरा चौथा हेठली बोदरा के मतदाताओं एवं चुनाव में जुड़े कर्मचारियों के साथ साथ मतदान केंद्र में कितने प्रतिशत की वोटिंग हुई, साथ साथ मौके पर पहुंचे चौथे मतदान केंद्र में जायजा लेने पहुंचे मुखिया निर्वाचन पदाधिकारी राम बालक कुमार से हर्षित टीवी के ब्यूरो चीफ प्रदीप पाठक ने बातचीत की एवं विष्णुगढ़ संवाददाता सुबोध मिश्रा के साथ विष्णुगढ़ के मतदान केंद्र पर चर्चा की। आइए देखते हैं मतदान पर बनी यह खास रिपोर्ट। हर्षित टीवी ने जायजा लिया विष्णुगढ़ में चल रहे मतदान का। ब्यूरो प्रदीप पाठक एवं विष्णुगढ़ संवाददाता सुबोध मिश्रा एक साथ दो मतदान केंद्रों में मतदान का जायजा लेते हुए। आज हम हजारीबाग से यहां इसलिए आए हैं कि हमारे रिपोर्टर सुबोध मिश्रा जी हमारे साथ विष्णुगढ़ के रिपोर्टर और आवाज डेली हर्षित टीवी आपको दिखाना ये चाह रही है कि यहाँ पर विष्णुगढ़ में कैसे रिपोर्टिंग हो रहा है। सुबोध क्या नजर है विष्णुगढ़ के दिन? नजर अच्छा है सर, वोटिंग भी अच्छा चल रही है, मतदान से भाग ले रहे हैं। सुबोध जी पूरे विष्णुगढ़ प्रखंड में आपको आज रिपोर्टिंग करनी है, तो आप कैसा देखते हैं यहाँ की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था कैसी देखते हैं? यहाँ की व्यवस्था में देख रहे थे दोस्त है आपको शासन और आइए किसी तरह लोग हैं उनसे भी आप जानते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। किसी तरह का परेशान आइए और कुछ लोग इसे जानते हैं तो कुछ बातें यहाँ से जितना स्तरीय पंचायत चुनाव रमुआ में स्थित है विष्णुगढ़ के, यहाँ पर मतदान चल रही है और मतदान में कुछ लोग को जानते हैं कि कैसे मतदान चल रही है और बहुत सारे धूप है, धूप के बाद धूप में महिलाएं पुरुष जो है वो अच्छे मतदान कर रहे हैं। आइए कुछ हम उसके बारे में पूछते हैं, मतदान चल रही है कैसा और यहाँ कैसा यहाँ महिलाएं पुरुष की लगभग संख्या की ऐसे लगभग कितना प्रतिशत का आपको आशा है कि वोटिंग आ सकती है? के दूसरे बूथ में है हम और बता दें कि प्रशासन जो है मुस्त और तंदुरुस्त यहाँ लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपको, कितने देर से आप अपना काम कर रहे हैं? सुबह 7 बजे। कैसी है व्यवस्था यहाँ? यहाँ कुछ किसी तरह का उड़दंगी कोई नहीं? तो इनका कहना है कि विष्णुगढ़ में बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। आवाज डेली हर्षित टीवी आपको पल पल की खबर हर बूथ से कोशिश कर रही है कि आपको दिखाए। आइए हमारे रिपोर्टर जो विष्णुगढ़ के हैं हमारे साथ हैं मोदी, ये भी बूथ में इनका कहना है प्रशासन भी चुस्त है, क्या कहते हैं? नहीं, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम तो देख निगरानी कर रहे हैं यहाँ पर और इतना सिलसिलाती धूप में प्रशासन सुबह से लेकर अभी तक मुस्तैद है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रही है। आइए देखते हैं विष्णुगढ़ प्रखंड के अल्पीटो पंचायत ग्राम उपरैली बोदरा से ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। आवाज डेली हर्षित टीवी अभी आपको विष्णुगढ़ में दिखा रहा था कि कैसे चुनाव की व्यवस्था की गई है और मैं बता दूं कि मैं इसी विष्णुगढ़ से हूं, रहने वाला हूं और मैंने अपना वोट दिया है। कैमरामैन से कहेंगे कि मेरा वोट मैं विष्णुगढ़ इसी हर्षित टीवी भी विष्णुगढ़ पहुंच पाए और यहां के पल पल के खबर को ले सकें। अभी अभी तुरंत मैंने अपना मतदान दिया और मतदान देने के बाद आप दर्शकों के लिए ये कवर कर रहा हूँ, ये अल्पीटो पंचायत है और अल्पीटो पंचायत में यहाँ पर जो चुनाव हो रही है बहुत शांति ढंग से हो रही है और मैं बता दूं कि अभी जो रिपोर्ट हमने किया यहाँ से, यहाँ जो देखा, यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, किसी तरह का धांधली यहाँ अभी तक नहीं हो रही है। यहाँ से मैं आपको बता दूं
की 180 वोट चुके हैं और लगभग 300 वोटर यहाँ है और शांतिपूर्वक यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, इसलिए पूर्ण मतदान हम नहीं कर सकते हैं कि यहाँ हो पाएगा। और आइए यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं, यहाँ के मतदाता हैं, मतदान कर रहे हैं और इनसे हम पूछना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? केवल यादव। कहाँ रहते हैं आप? बस यहीं यहाँ रहते हैं, लेकिन काम धंधा कहाँ करते हैं? काम मुंबई में करते हैं। अच्छा, देखिए ये मुंबई में काम धंधा अपना करते हैं और यहाँ वोट देने के लिए आए हैं? नहीं, अपना घर परिवार से आए हैं और वोट देने का दोनों मकसद से आए हैं। लेकिन वोट देना कितना प्राथमिकता है, यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं, ये अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। तो कब आए आप बॉम्बे से? तीन चार दिन हो गया इनका ये बॉम्बे से आके मतदान किए। एकदम मतदान के यहाँ पे एकदम सुरक्षित रूप से हुआ है, कोई चीज का धांधली नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छे रूप से हुआ है। छोटा गांव, छोटा यहाँ होते हुए सब व्यवस्थित रूप से किया गया। जितने भी वोटर जाता आए हैं उनको व्यवस्थित रूप से देना मिला है, कोई किसी का कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ बहुत अच्छा से वोट अभी तक चल रहा है। आगे हम ले चलते हैं अगले बूथ पर आपको और वहाँ का हाल दिखाते हैं। विष्णुगढ़ प्रखंड के अल्पीटो पंचायत ग्राम चौथा से ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। जैसा कि हमने कहा कि आज अल्पीटो पंचायत का सर्वेक्षण कर रहे चुनाव का और ये महापर्व है चुनाव का, ऐसे में मैंने अभी आपको विष्णुगढ़ दिखाया, उपरेली बोधरा दिखाया और हम अभी चौथा के स्कूल के प्रांगण में और चौथा के स्कूल के प्रांगण में बहुत सारे लोग वोट दे करके अब निकल रहे थे, जिन्होंने कहा कि भाई आइए कुछ बातें करें आपसे। तो क्या नाम हुआ आपका? मौजी रविदास। वोट दिए क्या? जी वोट दिए जी। उसको दिखाइए आप वोट दिए हैं। सो ए देखिए इन्होंने वोट दिया, तो यहाँ कैसा वोट चल रहा है? वोट बहुत बढ़िया चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। ये बड़ी बात कि यहाँ शांतिपूर्वक चल रहा है। आइए आपसे बात करें। जगन्नाथ यादव जी वोट दे दिए, कोई दिक्कत? किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। देखिए ये पूरा बन ठन के खड़ा है भाई, अरे इनसे भी जरा से पूछ लेते हैं वोट उठ दिए कि नहीं। वोट दे चुके हैं? अरे वोट दिए, जरा दिखाई 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 दर्शकों, वोट दे चुके हैं। तो वोट दिए, एक वोट देंगे जो हक है, एक वोट दिए, एक वोट दिए। क्या नाम हुआ? नारायण यादव। नारायण यादव और राजू यादव। राजू पूरा एकदम बन ठन करके लगे हुए, माथा में बांधे हुए हैं, एकदम सही है ना? आज तो महापर्व है, आप ही बोले हैं, महापर्व का मजा तो लेना करने का टाइम है। तो यहाँ की मैं वोट दे चुका हूँ। हाँ, ये यही देखना चाह रहे थे कि वोट दे चुके कि नहीं। राजू यादव, विजय राज यादव। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे वोट हो रहा है, किसी तरह का हो रहा। तो चलिए मतदान केंद्र के तरफ भी हम झांकें और देखें कि सही बोल रहे हैं कि ये लोग नहीं। अपने सहयोगी कहेंगे कि साथ मेरा चलें और देखें कि किस तरह से वोट बढ़ रहा है। चौथा के मतदान केंद्र में अभी जैसा लोगों ने बाहर में बताया उसी तरह शांति है और सबसे बड़ी प्रशासन भी पंकज जी जो है ये पूरे जोश खरोश से यहाँ लगे हुए हैं, प्रशासन भी पूरी व्यवस्था में है। ऐसे स्थिति में शांतिपूर्वक व्यवस्था होने का दावा तो हम कर सकते हैं और बहुत अच्छा यहाँ चल रहा है। कैमरा मैन से कहेंगे कि पूरा दिखाएं यहाँ पर जो चल रहा है वोट। इस बूथ में अभी तक जो वोट पड़ा है उसको हम जानेंगे और कितने वोटर हैं उसको भी जानेंगे। कितना है? 400 वोटर है। 450 वोटर है और अभी तक कितना वोट पड़ा है? 220 प्लस है। 220 पड़ा। क्या नाम है? रवि कुमार यादव। रवि कुमार यादव। तो अभी मतलब 200 पड़ना है ना? और ये लंबी भीड़ व्यवस्था के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो बहुत अच्छा इस बूथ में वोट पड़ रहा है और 200 से ऊपर पार हो गया, मतलब 50%। आइए अगले बूथ पर देखते हैं। आवाज डेली हर्षित टीवी से प्रदीप पाठक के लाइव कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं और आपसे मिलते हैं अगले बूथ में। मैंने आपको बताया था कि चौथा बूथ में है और देखिए दूसरा बूथ में भी पूरे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी आए हैं वो हैं और हर उम्मीदवार के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे में आपको ले चलते हैं यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनके पास। आप उनको ये बताएं कि इस बूथ पर अभी कितने वोटर हैं? 339 वोटर हैं जिसमें अभी तक 180 वोट पूर्ण हो चुके हैं। कितने बजे से यहाँ वोट शुरू हुआ था? ठीक है, ये एग्जैक्ट 7 बजे यहाँ पे वोट शुरू हुआ।
आप लोगों को किसी तरह का परेशानी इस बूथ में? नहीं नहीं, काफी शांतिपूर्ण मतदान रहा और पोलिंग एजेंट के साथ साथ ग्रामीणों का भी अच्छा सहयोग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार, मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बूथ नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि यहाँ भी शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मैं विष्णुगढ़ से बराबर आपको दिखा रहा हूँ। विष्णुगढ़ प्रखंड के अल्पीटो पंचायत ग्राम हेठली बोदरा से ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज अल्पीटो पंचायत का हर्षित टीवी का यह कार्यक्रम है कि यहां कैसे वोट पड़ा। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि आपके बीच हर्षित टीवी है, लेकिन कुछ लोग हैं पहले अपने सहयोगी कहें कि पूरा वीडियो सबका दिखा दें। यहाँ पर सब वोट देख तैयार हैं। रूबरू करवाते हैं और बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपको? वोट दिए? दिखाई चिन्ह उन्ना तो जरूर होगा ना, वैसे तो नहीं। हाँ, चिन्ह तो है, मतलब वोट पड़ा है। कितने बजे से यहाँ वोट पड़ रहा है? 7 बजे से। आपने दिया? कोई झंझट? कोई झंझट नहीं। आइए, कुछ लोग यहाँ भी हैं, वोट दिए जिन्होंने। हमारा बोदरा की जैसे हर बार की तरह इस बार भी पूरा शांतिपूर्वक मतदान हुआ और वोटर बहुत मजा लेके आनंद पूर्वक वोट दे रहे हैं। अब बारी है उम्मीदवारों की, मजा लेने की थी जिसने वोटर बहुत मजा लिए। अब 21 तारीख का इंतजार है हम लोगों को। धन्यवाद। मैं टिकनाथ यादव, यहाँ हेठली बोदरा ग्राम प्राथमिक विद्यालय में मतदान चल रहा है और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। यहाँ सब लोग बड़ा चढ़ कर इस त्यौहार में हिस्सा लिए हैं। लोकतांत्रिक का त्यौहार है, सभी लोग हर सर उल्लास के साथ मना रहे हैं। वोट दिए आप? हाँ, वोट दिए। मैंने वोट दिया और सभी ग्रामीण जनता हेठली बोदरा के उल्लास मतदान किए। अब रही बारी उम्मीदवारों की, अब उन लोगों के भाग्य का किस्मत की पेटी जो है 31 तारीख को खुलेगी, तब और हर्षोल्लास के साथ। ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने अपना काम किया, जनता जनार्दन ने अपना काम किया और आगे उनका भाग्य जाने। और मैं बता दूं कि यहाँ भी शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और प्रशासन की नजर कड़ी बनी हुई है। यहाँ पर सुबह से किसी तरह का भी यहाँ पर झंझट नहीं देखा गया है। अभी आपको यहाँ के दर्शकों से बात रूबरू करवाएं जो वोट दे चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने वोट देने का प्रतीक्षा में है। जी हाँ, ये मतदान का महापर्व में आप सभी भी जहाँ भी ये रिपोर्टिंग देख रहे हैं आपको भी करनी चाहिए। हम आपको जागरूक करते हैं और बिना भेदभाव का अपना अपना मत अधिकार दें। और यहाँ पर भी इसी तरह लाइन लगा करके लोग देख रहे हैं। अभी तक हम जानना चाहते हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, अभी तक कितना वोट पड़ चुका? अभी तक 308 वोट। 308 वोट। और कितने मतदान है इसमें आपके यहाँ पर? 451। तो ये 451 में 451 मतदाता में 300 कितना पड़ा? 310 मत बढ़ चुके हैं और पढ़ने की पूरी गुंजाइश है, पूरा वोटर लोग लगे हुए हैं। विष्णुगढ़ प्रखंड के पूरे पंचायत में हो रहे चुनाव के बाबत मुखिया निर्वाचन पदाधिकारी रामबालक कुमार से चुनाव पर विशेष बातचीत की ब्यूरो प्रदीप पाठक ने। देखिए यह रिपोर्ट। आवाज डेली हर्षित टीवी आपको विष्णुगढ़ प्रखंड के पूरे हालचाल दिखा रही है। ऐसे में हमारे साथ अभी अभी यहां पहुंचे इस मतदान केंद्र में निर्वाचन पदाधिकारी, इनसे हम बात करते हैं। आपको आवाज डेली हर्षित टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आप पूरे विष्णुगढ़ भ्रमण में हैं, कैसा है आज? हम लोग पूरा विष्णुगढ़ का जितने मतदान केंद्र हैं लगभग में सभी पदाधिकारी घूम रहे हैं और अभी तक जो हाल है सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रही है। इवन यहाँ पर छिटपुट की कोई घटना भी अभी तक नहीं हुई है। उम्मीद है आगे भी यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान होगा। अभी तक के जो हम लोग का है लगभग 52% पोलिंग हो चुका है। क्या नाम हुआ आपका? हम यहाँ मुखिया के निर्वाचित पदाधिकारी रामबाला कुमार।
ये है राम बालक कुमार जी, और मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा मतदान हो रहा है उसी को इन्होंने पुष्टि की, और आगे हमारी नज़र पूरे क्षेत्र में बनी हुई है, हमारे रिपोर्टर भी बने हुए हैं। आवाज़ डेली हर्षित टीवी से प्रदीप पाठक।